दोस्तों, आज हम एक घटना सुनाने जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिला का लाभपुर गांव का घटना है। एक आदमी अपना घर की छत में सो रहा था। गर्मी का मौसम चल रहा था, हवा चल रहा था। रात करीब 2 बज रहा था। वो अपनी मन से सो रहा था, तभी ने अचानक से दरवाजा की खटखटाने की आवाज आया। पहली बार उसको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था। फिर दूसरा बार दरवाजा में खटखटाने की आवाज आया। वो नींद से जग गई थी। फिर इधर उधर देखकर सो गया। उसको लगा कि हवा की वजह से दरवाजा हिल रहा था, इसी वजह से आवाज आया। लेकिन वो जैसे ही सो गया, उसके बाद फिर जोर से कोई दरवाजा खटखटाया। फिर वो अचानक से धड़क से उठ गया और छत की इधर उधर पूरा छान मारा। देखा कोई चोर तो नहीं आया। दरवाजा में गया, दरवाजा के पास गया। जैसे ही दरवाजा खोला, तभी उसने देखा एक डरावनी परछाई जाते हुए। उसको डर भी लगा था, लेकिन वो उस परछाई का पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि उसको पता करना है वो कौन है, कोई चोर तो नहीं, नहीं तो उसका घर का कोई आदमी भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसका पीछा शुरू किया। सीढ़ी से नीचे जाते जाते दर का दरवाजा तक आ गया। वो देखा घर में सब सो रहा था, पूरा घर अंधेरा में छाया हुआ था। तभी उन्होंने देखा पास में एक जंगल में किसी बच्चा की हंसने का आवाज आया। तभी उन्होंने सोचा इतनी रात में किसका बच्चा हो सकता है जो जंगल में हंस रहा है, वो भी किसके साथ। तो उन्होंने अपना घर का मेन डोर खोल के धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगा। दूर से उसको एक बच्चा नजर आया। वो बच्चा बहुत जोर जोर से हंस रहा था और किसी के साथ बात कर रहा था। तो उन्होंने
धीरे धीरे जा गया। जाते जाते देखा ये तो उन्हीं का गांव का एक बच्चा है जो पिछला कई दिन पहले उसका मौत हो गया था। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।